ये रिश्ते अब कभी भी खत्म होने वाले नहीं हैं, ऐसी मेरी तरफ से ये हमेशा पूरी पूरी कोशिश बनी रहेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, ये भी सभी बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस चुनाव में सपा का बेस वोट अर्थात यादव समाज अपने यादव बहुल्य, जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, अपने यादव बहुल्य सीटों पर भी सपा के साथ पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ नहीं रह सका है। अर्थात अंदर अंदर ना जाने किस बात की नाराजगी के तहत भीतर घात किया है और सपा के खासकर यादव बहुल्य सीटों पर भी सपा के मजबूत उम्मीदवारों को भी हरा दिया है। तो ऐसे में अन्य सीटों के साथ साथ खासकर कन्नौज में श्रीमती डिंपल यादव, बदायूं में श्री धर्मेंद्र यादव व फिरोजाबाद में श्री रामगोपाल यादव के बेटे का भी हार जाना तो ऐसा है जो अब हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। वर्तमान स्थिति में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकेले ही ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है।